फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू पराठा। एकदम ढाबा स्टाइल बनाऊंगी और उसमें मैंने दो चीज़ें मिलाई हैं जो कि जिसको मिलाने से बहुत ही टेस्टी पराठा बनता है। तो चलिए, आप देख सकते हैं पराठा कितना अच्छा एकदम भरा हुआ बना हुआ है। और अभी क्या है, लॉकडाउन है तो सब चीज़ें बंद हैं, तो अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आलू से आप आलू पराठा बना के खा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा लगता है और सबको पसंद आता है। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, मैं आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डो रेडी कर लेते हैं। डो रेडी करने के लिए मैंने दो बाउल यहाँ पे मैंने आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला और उसको मैंने यहाँ पे मिला रही हूँ मैं। उसके बाद थोड़े थोड़े पानी डाल के हमें इसका डो रेडी करना है। डो हमें सॉफ्ट रखना है, हार्ड नहीं रखना है। अगर आलू पराठा या कोई भी स्टफ पराठा हम बनाते हैं तो हमें डो को लूज़ ही रखना चाहिए। अगर हम रोटी जैसा रखेंगे तो हमारा जो है पराठा वो फटेगा। तो इसलिए आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो लोग स्टार्टिंग के हैं, जिनको नहीं पता है, बहुत लोगों को तो पता भी होगा। तो इस तरह से मेरा डो रेडी हो गया, एकदम लूज़ मैंने इसको रखा है। उसके बाद इसको कवर करके सेट होने के लिए मैं रख दूँगी। उसके बाद हम जो इसका स्टफिंग है वो मैं रेडी करूँगी। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने कवर करके इसको रख दिया है सेट होने के लिए। अब मैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने लिया है 1 स्पून सौंफ। सौंफ को आप भून लीजिए और भूनने के बाद इसको ग्राइंड कर लीजिए हल्का सा। तो यहाँ पर तवा पर मैंने इसको हल्का सा भून लिया है। जब इसमें से खुशबू आने लगेगी उसके बाद इसको हम आप चाहें तो इसको ग्राइंड कर सकते हैं या ईमानदास्ते में कूट सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको कूट लिया है। ये मैं इसके अंदर मिलाऊंगी जो कि जिससे कि जो पराठा है वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। यहाँ पे मैंने लिया है 6-7 आलू लिए हैं और इसको मैश करूँगी मैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे धनिया लिया है और ये मैंने मसाले लिए हैं, ये हरी मिर्च, ये जो सौंफ लिया है मैंने, और उसके बाद मैंने जो भून के इसको लिया है ग्राइंड करके वो है ये हींग है, ये थोड़ा गरम मसाला और नमक स्वाद के अनुसार, ये धनिया पाउडर है। ये सारी चीज़ें हम अपने स्टफिंग में मिला लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है और मैश करने के बाद इसके अंदर हम मसाले को मिला लूँगी और धनिया जो चॉप करके लिया है उसको भी मिला लूँगी। और उसके बाद हमें एक चीज़ और मिलाना है, जिंजर, जो जिससे कि टेस्ट दोगुना हो जाएगा। जिंजर को ग्रेट करके लेना है और जिंजर को हमने ग्रेट कर लिया, इसको भी मैं इसके अंदर मिला दूंगी। इससे जो है आप बहुत ही टेस्टी बनेगा हमारा पराठा। तो अब मैं पराठे को बनाती हूँ। हमारा आटा सेट हो गया है। तो यहाँ पे मैंने लोई ले लिया है एक, और यहाँ पे मैं आपको दो तरीके से भरना बताऊँगी। तो ये पहला तरीका है जिसमें कि मैं इस जो हमने लिया हुआ है लोई उसको हम बेल लेंगे और उसके ऊपर स्टफिंग रखेंगे और फिर चारों तरफ से इसको फोल्ड करेंगे। कैसे फोल्ड करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हमको चारों तरफ से करके फिर ऐसे करके मोड़ लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारा पराठा कभी फटेगा नहीं और बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे मैंने ये भर लिया है और अब इसको हम बेल लेंगे। तो इस तरह से हमने हाथों की हेल्प से इसको लोई रेडी कर लिया है और इसको फिर हाथों की हेल्प से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से हम कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारे स्टफ आलू किया है वो चारों तरफ किनारे किनारे तक पहुंच जाता है और अब अच्छा पराठा एकदम भरा हुआ होता है। और इस तरह से हम धीरे बेल लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने पराठे को बेल लिया है। यहाँ पे मैं पराठे को बेल के एक साइड में रख लूँगी और जो दूसरा मेथड है और उससे मैं आपको बताऊँगी। तो आप देख सकते हैं पराठा कहीं से भी फटा नहीं है। ये दूसरा लोई लिया है मैंने और दूसरे तरीके से कैसे भरना है वो मैं बताऊँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से दोनों हाथों की हेल्प से हमें थोड़ा सा इसको बड़ा करना है। उसके बाद स्टफिंग रखना है और चारों तरफ से इसको इस तरह से हमको करना है। देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ऊपर करना है और स्टफिंग को थोड़ा अंदर दबाते जाना है। इससे क्या होता है कि हमारे पराठे के अंदर हम बहुत अधिक स्टफिंग भर सकते हैं और हमारा पराठा बहुत अच्छा बनेगा। तो इस तरह से हम कर लेंगे और पराठा हमारा फटेगा भी नहीं। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से भी आप बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे मेथड, जिससे आप सूटेबल हो वो बना सकते हैं। इसको भी हाथों की हेल्प से थोड़ा सा बड़ा करेंगे।
उसके बाद फिर हम बेल लेंगे हल्के हाथों से इसको भी। तो यहाँ पे हल्के हाथों से मैंने इसको बेला है, तो देख सकते हैं ये भी मेरा पराठा एकदम परफेक्ट बना है, फटा नहीं है। तो चलिए अब मैं इस दोनों को सेक के आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैं तवा गरम कर लिया है, तवे के ऊपर डाल दिया है और इसको हमको दोनों तरफ से अच्छे से ऑयल लगा के सेकना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पराठे मेरे सिक रहा है, तो एक साइड से अच्छे से जब सिक जाएगा तो हम पलट देंगे। तो यहाँ पे मैंने पराठे को पलट दिया है और जब थोड़ा सा हो जाएगा फिर हम यहाँ पे ऑयल या घी जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लगा के दोनों साइड से क्रिस्पी सेक सकते हैं। तो यहाँ पे एक साइड से हो गया, तो मैंने लगाने के बाद ऊपर से सेक के पलट दिया है, वो दूसरी तरफ से भी घी लगा लेंगे इसी तरह से। और तो चारों तरफ से इसको घी लगाने के बाद अच्छे से सेक लेंगे जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पराठा सिक रहा है और बहुत ही अच्छा बना है, क्रिस्पी भी, क्योंकि हमने आटे के अंदर थोड़ा मोयन लगाया था। तो उससे क्या होता है कि हमारा पराठा बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो एक पराठा मेरा रेडी हो गया, मैं दूसरा भी इसी तरह से आपको सेक के दिखाती हूँ और एकदम बढ़िया फुला फुला अच्छा सा पराठा बनेगा। और इसको भी मैंने पलट लिया और दूसरी साइड से लगा के सेक लिया और यहाँ पे, तो दूसरा पराठा भी मेरा सिकने को रेडी हो रहा है। तो देख सकते हैं आप, और इसको मैंने पलट दिया है और कितने अच्छे से ये आप देखेंगे फूलेगा, पूरा चारों तरफ से भरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं पराठा पूरा फूल गया है अच्छे से और बहुत ही अच्छा बना था पराठा। तो आप ज़रूर ये चीज़ें मिला के ये पराठा बनाइए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और मेरा बनाने का तरीका आपको कैसा लगा? तो मेरे पराठे रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सर्व कर लिया है और मैंने इसको धनिया की चटनी और टी के साथ सर्व किया है। आप और भी जिसके साथ पसंद हो खा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये पराठा बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स फैमिली में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। और तो मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट रेसिपी में और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।